हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने तीन शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। यह है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं आज इसने क्या किया। आज इसने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद में ये कंसोलिडेट करता रहा ऊपर की रेंज में, फिर ये नीचे आया और फिर ऊपर जाके कंसोलिडेट करता रहा। पूरे दिन भर इसने सिर्फ एक ही काम किया है, वो है एक ही रेंज में, एक ही छोटे से दायरे में काम करना। ये बात मैं कल भी बता चुका था कि आज ये छोटे दायरे में क्यों काम करेगा, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी, आज इसे कोई मूवमेंट करनी नहीं थी। और आप देख सकते हैं हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इसने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कितने दिनों से ये रिस्पेक्ट हो रहा है, 11,600 बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अब समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी में आखिर हो क्या रहा है। अब जान लेते हैं निफ्टी का कल का व्यू। निफ्टी का कल का व्यू जानने के लिए मैंने एक दो ट्रेंड लाइन बनाई है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिटिकल ट्रेंड लाइन बन चुकी है, एक ट्रायंगल बन चुका है। निफ्टी में अब कल बहुत ही अच्छी मूवमेंट आ सकती है क्योंकि इसने एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। लगभग कह सकते हैं कल इसमें डाउन मूव बहुत ही स्पीड से आनी चाहिए और बहुत ही स्पीड से, जैसा मैं कहते आ रहा हूं आप लोगों को 3 से 4 दिनों से मैं यही कहते आ रहा हूं, इसमें बहुत अच्छी डाउन मूव आनी चाहिए। इसने बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया है हमारे रेजिस्टेंस लेवल को 11,600 का रेजिस्टेंस टूट ही नहीं रहा है किसी भी हालत में। यह रेजिस्टेंस हमने 3 से 4 दिन पहले दिया था और देख सकते हैं इसमें कितना रिस्पेक्ट किया है इस रेजिस्टेंस लेवल को। अभी ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो चुका है, अब इसमें ब्रेकडाउन जब अगर नीचे की तरफ आता है तो बहुत ही स्पीड से निफ्टी को नीचे ले जा सकता है, कह सकते हैं उठा के पटक सकता है निफ्टी को। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं कितना अच्छा रेजिस्टेंस लेवल साबित हुआ है 24,400। बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं आई, निफ्टी में हल्की फुल्की स्ट्रेंथ रही और उसने कंसोलिडेट किया अपर साइड की रेंज में। और यहां देख सकते हैं इसने नीचे की साइड में कंसोलिडेशन किया है। अब जो इसमें वीकनेस आएगी वो बहुत ही स्पीड से आएगी, इसने पूरे क्लियर सिग्नल दे दिए हैं। अगर 23,300 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो बैंक निफ्टी में हाहाकार मच सकता है और बहुत ही स्पीड से इसमें वीकनेस आएगी। अगर बैंक निफ्टी 23,300 के नीचे कल ब्रीच होके अगर आ जाता है तो आप लोगों को इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस लगाना है या अपना स्टॉप लॉस लगाना है वो रहेगा 23,800। अभी के हिसाब से काफी दूर की रेंज है लेकिन ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और देख सकते हैं इसमें कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं है। निफ्टी में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिख रही थी लेकिन बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही धराशाही होने के लिए कह सकते हैं तैयार है या नीचे गिरने के लिए बिल्कुल तैयार है। 3 सितंबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी पॉली मेडिक्योर, इसे बाय करना था। इसका एसएल था 429, इसके टारगेट थे 440, 448 और 458। इसने आज बहुत ही शानदार मूव दी है, 15% की मूव इसमें आई है। यह हमारी मंथली रिकमेंडेशन भी थी और इसने हमारे सेकेंड टारगेट को आज अचीव कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपने पार्ट प्रॉफिट बुक किए होंगे। यह पॉली मेडिक्योर का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं काफी शानदार मूव इसने दी है आज। यहाँ पे इसने काफी अच्छी एक्युमुलेशन की अपॉर्चुनिटी दी और उसके बाद में देखिए एक तरफा इसमें मूव आई है, 15% की मूव इंट्राडे में आई है आज इसमें। आज जो मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज किया है वो ट्रेड टाइगर का सॉफ्टवेयर है जो शेयर खान का है। आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर या फिर इसमें चार्ट देखने में कैसा लग रहा है जरूर बताइए। अगर आप लोगों को ये देखने में अच्छा लग रहा है और समझने में भी ठीक लग रहा है तो मैं इसमें ही कंटिन्यू करूंगा, अगर आप लोगों को ठीक नहीं लग रहा है तो मैं पुराने सेटअप में वापस शिफ्ट कर जाऊंगा। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी अदानी गैस, अदानी गैस को बाय करना था। इसका एसएल था 186 का, इसके टारगेट थे 192, 196 एंड 208। इसने भी आज बहुत शानदार मूव दी, 4% की इंट्राडे मूव आई है, 198 का लेवल इसने आज टच किया है। देख लेते हैं इसका चार्ट, यह भी हमारे मंथली रिकमेंडेशन में स्टॉक शामिल है। अदानी गैस का 15 मिनट का चार्ट, पहले हम इसे 3 मिनट के चार्ट में या 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 3 मिनट का चार्ट है और देख सकते हैं काफी अच्छी यहाँ पे इसने अपॉर्चुनिटी दी। लगभग 6 to 7 मिनट ये यहाँ पे खड़ा रहा, उसके बाद में देख सकते हैं खड़ी मूव आई है, डायरेक्टली ये सीधा हमारे टारगेट के पास पहुंच गया है, 198 का इसने हाई लगाया। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी कॉनकोर, कॉनकोर ने आज इमीडिएटली एसएल को हिट कर दिया और हमारे टारगेट को अचीव नहीं किया। देख लेते हैं इसका चार्ट, ये भी कॉनकोर का 3 मिनट का चार्ट है और देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद में इमीडिएटली इसने एसएल को
छः मिनट में ही हिट कर दिया और उसके बाद में इसमें कोई भी मूव नहीं आई। 4 सितंबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन आरबीएल बैंक को सेल करेंगे। इसका करंट लेवल है 193 और इसे हम सेल करेंगे मार्केट रेट पे, और इसका एसएल रहेगा 196 और इसके टारगेट रहेंगे 190, 186, 178। अगर ये 186 के आसपास ओपन करेगा तो हम इसमें कोई काम नहीं करेंगे। यह है आरबीएल बैंक का चार्ट और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वीकनेस आई थी इसमें, और उसके बाद में अब ये वीकनेस कंटिन्यू रहनी चाहिए और इसमें आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ सकती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस स्टॉक को सबसे ज़्यादा ठोका जाएगा, पीटा जाएगा और लोग इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटेंगे। कल की हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है डाबर। डाबर को बाय करना है। डाबर को हम तभी बाय करेंगे जब 488 से 489 के लेवल पर आएगा। इसका एसएल रहेगा 485 का और इसके टारगेट रहेंगे 495, 500 और 502। ये जब रेंज आएगी तभी हम इसमें बाय करेंगे, उससे पहले हम इसे बाय नहीं करना है। ये है डाबर का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवमेंट आज आई है। हालांकि वॉल्यूम उतने अच्छे डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन जैसा कि एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी अच्छी मूव आज आई है, उस हिसाब से लग रहा है कि ये एक डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। अगर ये हमारी बाइंग रेंज में आएगा तभी हम इसे बाई करेंगे। इसमें बहुत ही अप एंड डाउन्स होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल है वो बाइंग रेंज और इसके एसएल भी बहुत क्रिटिकल हैं। और हमारी तीसरी रिकमेंडेशन है कॉनकोर। कॉनकोर को फिर से सेल करना है। इसका एसएल रहेगा 406 और इसके टारगेट रहेंगे 394, 390 और 382। यह है कॉनकोर का चार्ट और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वीकनेस यहाँ पे आई थी और उसके बाद में इसने कंसोलिडेशन किया है। अब मुझे लग रहा है किसी भी दिन ये ब्रेकडाउन होगा और बहुत ही अच्छी मूव देगा, और आने वाले दिनों में 360 के लेवल पे भी अगर ये टच कर जाएगा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हमारी सिंह ट्रेड की रिकमेंडेशन वही है कॉनकोर। हमने सेल किया था 1 सितंबर को और इसे हम कैरी करेंगे, और इसका जो एसएल है वो 408 ही रहेगा और इसके टारगेट काफ़ी नीचे के हैं। इसका चार्ट मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ, इसमें काफ़ी वीकनेस आ सकती है आने वाले टाइम में। अगर आपको मेरे ये व्यूज़ अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।